दर्शन न्यूज। बिहार में सारण नाव हादसे में लापता तीन में से मिला एक का शव, अभी दो की तलाश जारी, मिला मुआवजा। सारण जिले के माझी थाना क्षेत्र के मटियार गांव के समीप बीते बुधवार को हुए नाव हादसे में लापता धनजी प्रसाद की पुत्री रमिता कुमारी उम्र 14 वर्ष का छत विछत शव बरामद होने के पश्चात मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई है, जबकि नाव पर सवार दो लोग अब भी लापता है, जिनका शव अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। हादसे में डूबकर असमय काल कवलित हुई रमिता कुमारी की दादी फूल कुमारी देवी का शव घटना के अगले ही दिन SDRF की टीम ने मोटरबोट की सहायता से ढूंढ निकाला था। दुर्घटना में शामिल लापता शव को सरयू नदी के किनारे ढूंढने निकलने परिजनों ने रविवार को रिविलगंज थाना क्षेत्र के इनई गांव के समीप से शव को ढूंढ निकाला। बाद में परिजनों ने सरयू की धारा में उपलते शव को नदी से बाहर निकालकर रिविलगंज थाना पुलिस को शव बरामदगी की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। उधर दादी फूलकुमारी देवी के बाद पोती रमिता का शव मिलने के पश्चात परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे तथा उसके दरवाजे पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतिका के पिता गुजरात के राजकोट में स्थित एक निजी स्टील फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। परिजनों ने बताया कि अब दादी पोते का श्राद्ध संस्कार एक ही साथ होगा। उधर मृतिका फूल कुमारी देवी की एक और लापता पोती तथा मंजी प्रसाद की पुत्री पिंकी कुमारी के शव की खोजबीन अब भी चल रही है। घटना के पांच दिन बाद भी अब गांव के लोग इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं तथा मृतिका व शेष लापता लोगों के घर के चूल्हे बुझे पड़े हैं। नाते रिश्तेदार व पड़ोसी अपने स्तर से उनके खाना पानी का इंतजाम कर रहे हैं। इस बीच रविवार को मटियार गांव स्थित दो मृतकों के दरवाजे पर पहुंचे एकमा के विधायक श्रीकांत यादव तथा माजी के सीओ धनंजय कुमार ने मृतिका छठिया देवी के पति मुन्ना प्रसाद तथा मृतिका सुभाष राम की पत्नी हीरामती देवी को क्रमशः 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा। साथ ही आने वाले दिनों में भी अपने स्तर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि शनिवार को रूढ़ीगंज के बंगाली बाबा घाट से सुभाष राम का शव के बरामद होने के पश्चात देर रात्रि परिजनों ने मृतक का दाह संस्कार संपन्न करा दिया। सारण से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद देता हूं। मैं ग्राम पंचायत राज मटियार के मुखिया पति सुशील कुमार सुमन। उस दिन जिस दिन घटनाएं हुई थी उस दिन 19 लोग नाव पर सवार थे, जिसमें 13 लोग सकुशल बरामद हुए थे और 2 लोग के डेड बॉडी मिली हुई थी। उन लोगों के हम लोग चेक जाती है जब किसान अपने चौर में या दियारा क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं, तो इसके लिए सरकार आगे क्या पहल करेगी कि ऐसे नाव हादसे ना। देखिए अभी तो 6 तारीख से विधानसभा चलने वाला है, हम लोग इस विषय में विचार अपना रखेंगे विधानसभा में कि ऐसा घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार तैयारी करे, इसके लिए हम लोग विधानसभा में जरूर क्वेश्चन इसको करेंगे। सर कितने मैंने एक कितना लाख मैंने चेक अभी 4 लाख का चेक प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। 4 लाख का सर प्रावधान है क्या? ये गवर्नमेंट की तरफ से 4 लाख। थैंक यू सर। सर मटियार में नाव हादसा हुआ था, किन 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 व्यक्तियों को चेक दिया गया, आज किन को दिया गया? आज 2 लोगों को दिया जा रहा है। इसका पहला दिन जिस दिन घटना हुआ था उस दिन 2 लोगों को दिया गया था, टोटल अभी 4 हुआ। और भी अभी खबर मिला है कि और भी बॉडी मिला है, अब पोस्टमार्टम होगा आएगा फिर उनको भी चेक। सरकार संग संग इसको जो भी मुआवजा देना संग संग दे रही है, बहुत मैंने खुशी का बात है। पहले तो लोग आप लोग भी जानते हैं कि टाइम लगता था, यहाँ संग संग आ रहा, रिपोर्ट हो रहा, पोस्टमार्टम हो रहा, चेक दे दिया जा रहा। कितने लोग मृत हुए थे नाव हादसे? देखिए उस दिन तो 11 लोग बच गए थे, 7 आदमी का पता नहीं था, जिसमें 3 बॉडी 2 बॉडी उस दिन मिला था और उसके बाद फिर 2 बॉडी मिला, 4 बॉडी अभी तक मिला, बाकी अभी 2 बॉडी बाकी। कितने लोगों का मुआवजा दिया जा चुका है? 4 हो गया, 4 लोग जो जिनका सब हो गया पोस्टमार्टम रिकॉर्ड।